इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वोस्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और आयास परफ्यूम्स। दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा सद्भावना सम्मेलन का आयोजन लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में किया गया। धनकर खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनकर व DACC के कन्वीनर डॉक्टर इरफानुल्ला खान की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल व बेवाक नेता सत्यपाल मलिक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस सम्मेलन की एक विशेषता यह भी रही कि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के प्रमुख लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। बहुत सी संस्थाओं के जिम्मेदार लोगों को इस सम्मेलन में देखा गया। सम्मेलन की सफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जितने लोग सभागार के अंदर थे उतने ही सभागार के बाहर भी मौजूद थे। इरफानुल्ला खान, डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी व हाजी इशराक ने संयुक्त रूप से सत्यपाल मलिक का इस्तकबाल किया। एकता से रहिए और हिंदू भाइयों से जरूर कहूंगा कि तुम्हारी अगर तादाद ज्यादा है तो तुम्हारी जिम्मेवारी भी ज्यादा है और तुम इस बात को आश्वस्त करें, इसकी बात की मजबूती करें कि हमारे मुसलमान भाई को दूसरे दर्जे के नागरिक की निगाह से ना देखा जाए, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ उसमें हमारे गोत का एक गांव है फुगाना, उसमें वो दंगा थोड़ा ज्यादा हुआ था तो मैं वहां गया, लोगों से पूछा मैंने क्या हुआ। उन्होंने कहा जी बहुत गलती हो गई। उनको किसी ने खबर दे दी कि मलिकों का जो गोत का दादा है वो पीछे मुसलमानों के किसी गांव में मार दिया गया, जबकि वो गलत खबर थी। तो उसके रिएक्शन में वहां दंगा हुआ। तो गांव के लोगों ने, आप यकीन करोगे, रोते हुए कहा कि ये तो हमारी जिंदगी, हमारा तो गंडासा नहीं चटता इनके बिना, हमारा तो कोई काम इनके बिना नहीं होता, और हमारे तो पुरखे 47 में रेल से उतार उतार के इनको लाए थे कि कहां जा रहे हो, यहीं रहो, और हमने बसाए थे, हमारे भाई हैं। तो वो भाईचारा टूट गया था मुजफ्फरनगर के दंगे में। मैं कोच साहब और इन लोगों का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने जो ये अपना नूह के दंगे के वक्त जो स्टैंड लिया वो लहर हमारे यहां भी चली गई। जाटों का और मुसलमानों का जो तफरका था वो उसी दिन खत्म हो गया और हम भी आप जैसे ही हो गए, और अब हमारे यहाँ कोई फिरका परस्ती पश्चिमी यूपी में भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा सम्मेलन रखा गया है, सद्भावना सम्मेलन, सबको एक करने के उद्देश्य से, इसके बारे में आपके विचार? इस समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत है सद्भावना की, समरसता की, भाईचारे की, और यदि ये नहीं होगा तो हमारा जो देश पहले से विश्वगुरु था वो बिखर जाएगा। आज जिन्होंने भी ये कार्यक्रम रखा है वो बधाई के पात्र हैं। और देखिए, इस समय सत्ता जिनके हाथ में है वो भटक गए हैं, सत्ता के अहंकार में भटक गए हैं, इसीलिए नूह जैसे कांड हो रहे हैं, मणिपुर जैसे हो रहे हैं। और आप देखिए, जब हमारे अभी कश्मीर में भाई कर्नल मेजर DSP गुजरे, हाहाकार मचा हुआ था सब तरफ, तो हमारे महाशय फूल बरसवा रहे थे अपने ऊपर। वो कार्यक्रम स्थगित कर देते तो उनका सम्मान बढ़ता, लोग अच्छा कहते, लेकिन ऐसा वो नहीं करना चाहते क्योंकि दिखावे में जीते हैं, और जो आदमी दिखावे में जीता है वो कभी किसी का हित नहीं कर सकता। जो सद्भावना ये सम्मेलन है ये हमारे लिए जीवनों में, हमारे जिंदगी में आगे क्या असर करेगा? देखिए, ऐसे सम्मेलनों का आयोजन होते रहना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पीस है, हार्मनी है। और कोई भी देश जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा देश तो जाना जाता है इस चीज़ के लिए, बट कुछ ऐसी नज़र लगी है हमारे देश को तो मुझे लगता है आज की डेट में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, मैंने अभी भी यही बात बोली यहाँ पर कि महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर चीज़ में, और कोई भी बदलाव महिलाओं के बिना नहीं आ सकता है। तो पीस भी महिलाओं के बिना कैसे आ जाएगा, हारमोनी कैसे बनेगी जब आधी आबादी ही परेशान रहेगी? तो उनको भी तो इस आंदोलन का हिस्सा बनना ज़रूरी है, और उनको भी लीडरशिप लेनी ज़रूरी है इसमें। आज ये हमें बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके, अरे इस देश में कभी से लड़ाई है तो
कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है, और जो यहाँ मेरे यहाँ नूर से साथी आए हैं सबको पता है अरावली एक खनिज का भंडार है। उस नूह की, उस खनिज की धरती को, उस किसान की धरती को जो इस देश को अनाज पैदा करता है उसे कॉरपोरेट के हाथ में दिया, चाहे नूह हो और चाहे मणिपुर हो, सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को। मैं खुलेआम कहता हूं ये कुछ कॉरपोरेट की चुनिंदा लोगों की सरकार है, और दोबारा से आज हम 100 साल पीछे चले गए हैं जहां चौधरी चोटूराम कहते थे भाई बचना है तो इस मंडी और फंडी से बचना। ये मंडी और फंडी की लड़ाई है, ये कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। लुटेरे हमें लूटने के लिए नू भी पहुंच गए हैं और मणिपुर भी पहुंच गए हैं और हरियाणा और उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गए। और अगर कोई मुझे खुलेआम डिबेट करना चाहे तो मैं ये चैलेंज करता हूं, क्योंकि जिस कोरोना काल में देश में किसी की आय नहीं बढ़ी उस टाइम पे उन दो की आय कैसे बढ़ गई भाई, कहां से बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। देश का गरीब व्यक्ति उस टाइम आपने बंद कर दिया, भूखों से हत्याएं हुई। आपका इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, 1947 से लेकर आज तक इस देश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं तो किसान की हुई हैं। अगर उनको किसी ने ओवरटेक किया है तो 2020 और 21 का इकोनॉमिक सर्वे उठा लीजिए, 10,700 किसान थे तो 11,600 व्यापारी थे। छोटे व्यापारी को आपने आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, वो लोग कहां गए? क्या वो लोग इस देश के देशवासी नहीं थे? क्या वो किसान जो मर गए वो इस देश के देशवासी नहीं थे? क्या जो किसान शहीद हो गए वो देश के देशवासी नहीं थे? अरे देश देशवासियों से बनता है, और इतने देशवासियों की हत्याओं का जिम्मा आप पे है। सोचिए अगर वो देशवासी जिंदा होते तो आज वो साइंस में भी तरक्की करते, आज वो चांद पे भी पहुंचते, और आज वो इस देश को खाद्यान्न से भरपूर करते। और मैं उनको बताना चाहूंगा, मोदी जी जो फोटो खिंचवा लेते हो आप, जो मोर को दाने खिंचवा के, हमें ये फोटो खिंचाना तो नहीं आता पर वो दाने उगाना जरूर आता है। हम बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं, शायद इसी वजह से लुटेरे हमें लूट ले जाते हैं, और आप भी शायद उसी गिरोह के हैं, और आज आप हम पे उंगली उठा रहे हैं। अरे हमारे हर घर को देख लीजिए, अगर हरियाणा का कोई भी गांव ऐसा हो तो मैं इस खुले मंच से चैलेंज करता हूं, जहां तिरंगे में लिपटी लाशें ना आती हो, हमसे ज्यादा तिरंगे का मान करना। देश में अब जो लोग गद्दी पे बैठे हुए वो देश की जनता के खिलाफ है, ये सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी मुसीबत है। देश में किसान फार्मर्स जो हमारे देश की समाज की एक जबरदस्त इकाई है, गद्दी पे बैठे हुए लोग ये फार्मर्स के खिलाफ है और उनके दुश्मन बने। देश के अंदर तलवा स्टूडेंट्स छात्र ये हमारे देश का फ्यूचर, लेकिन आप JNU को देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखिए, जामिया को देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखिए, आपको मालूम होगा कि ये गद्दी पे जो बैठे हुए लोग हैं वो हमारे छात्रों के, हमारे स्टूडेंट्स के दुश्मन बने हुए हैं। हमारे देश में देश की एक बड़ी आबादी वो आदिवासियों पर मुश्तमिल, ट्राइबल्स पर मुश्तमिल। मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर की पूरे वाकियात आपके सामने, और ये जो झारखंड वगैरह में क्या हो, तो गद्दी पे जो बैठे हुए लोग हैं, मेरा समझना यह है कि ये ट्राइबल्स के आदिवासियों के दुश्मन बने। मणिपुर में औरतों के साथ, यहां सत्यपाल मलिक जी बैठे जिन्होंने औरत फीमेल रेसलेस
साथ होने वाले इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज उठाई। मणिपुर का वाकिया, ये पहलवानों का वाकिया, ये बिलखिस का वाकिया, ये हाथरस का वाकिया, ये इस बात की दलील है कि गद्दी पे बैठे हुए लोग औरतों के दुश्मन हैं। ये जो गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं, ये देश में ये जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये जो नूह का वाकया हुआ, और देश में ये जो CA NRC की मूवमेंट, ये जो CA NRC की मूवमेंट थी, ये भी देश की तारीख का एक बहुत अहम बाब है। ये इसमें ये बात साबित होती है कि ये देश में यहां मुसलमानों के भी दुश्मन है। तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा कि जो गद्दी में बैठे हुए लोग हैं वो औरतों के दुश्मन, फार्मर्स के दुश्मन, ट्राइबल्स के दुश्मन, कमजोरों के दुश्मन, गरीबों के दुश्मन। मैं जब ये बात पेश कर रहा था, लोगों ने कहा कि फिर किसके दुश्मन नहीं है, ये तो सबके दुश्मन है। मैंने कहा कि ये इंडिया के दुश्मन है। देखिए, इस तरह के प्रोग्राम ही हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी जो तहजीब है उसको कामयाब करेंगे। और ये जो भी कट्टरपंथी बातें शुरू हुई हैं, मैं कहता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में कंटिन्यू होने चाहिए। और मैं बहुत हैप्पी हूं आप जैसे मीडिया के लोग इस आवाज़ को पूरे मुल्क में पहुंचाएं, और जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये काबिल तारीफ़ है, और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूं। और इस तरह से हमारे भाईचारे की जो पहचान होगी, जो मैसेज जाएगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं पूरे मुल्क को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि लोगों ने, अक़लियत के लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के लोगों ने, आम बिजनेसमैनों ने ये मुहिम को चलाया कि भाई हम भाईचारा कायम करें और एक दूसरे के दर्द में शामिल हों। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बचपन से हम सुनते हैं, और इसी नारे को बुलंद करेंगे। ये मेरी अपनी आपके माध्यम से मैं पूरे मुल्क को बात पहुँचाना चाहता हूँ। मालूम हुआ कि बहुत क्रांतिकारी लोग, जिनमें सतपाल मलिक जी का नाम सर फहरिस्त है, आज उनका सम्मान समारोह है, तो आपने ये महसूस किया कि हमें जाना चाहिए। जी, आप क्या चाहते, क्या लगा आपको यहाँ कर जो ये सम्मेलन है उसमें, कि आगे बढ़ेगी ये बात, लोगों के दिलों में, दिमागों में असर करेगी? ये मुल्क के अंदर फैल चुकी है जी। और सतपाल मलिक का जो एक मैसेज है, ये ढेट खोल दिया इन्होंने। ढेट खोलना कहते हैं ना, लोग जो डरे हुए थे, धमके हुए थे, खौफ में बोल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, और सरकार के खिलाफ कोई बात कहने को तैयार नहीं थे, आज वो सब लोग, जो लोग अपने दिलों में जिनके गांठें लगी हुई थी, उनकी वो गांठें खुल गई हैं, और तमाम लोग सड़कों पर आ गए हैं। आगे आने वाला वक्त नौजवान पीढ़ी का होगा, आगे जो मुद्दे होंगे वो बेरोज़गारी के होंगे, किसानों मजदूरों की बात होगी। इसके अलावा जो मुल्क में भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक भारी मुहिम छिड़ी हुई है, और इंशाल्लाह मुल्क में अमन चैन कायम करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कारगर होंगे। और इन लोगों की सदारत में, ख़ास तौर से सतपाल मलिक की सदारत में जो कदम उठाया जा रहा है वो बहुत कारगर। बहुत अच्छा सम्मेलन है, इस किस्म की सद्भावना सम्मेलन की आज देश को ज़रूरत है। इससे पहले भी होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल फ़र्क है या पॉलिटिकल अवेयरनेस है जो खुसूसन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर होनी चाहिए, उसको आनी चाहिए, उसकी कोशिश में ये लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ ये जो सद्भावना है या कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है जाट गुजरों का या दूसरे जो अदर कम्युनिटीज़ के साथ, ये बहुत अच्छा गेस्चर है। चूँकि नू मेवात में जिस तरह से दंगा हुआ था, स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा जिस तरह से गुजरात में हुआ 2002 में, नरेंद्र मोदी की इसमें हुआ, रिजिम में हुआ, और वो एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया। उसके बाद मणिपुर में हुआ, मणिपुर की आग को ठंडा करने के लिए नू मेवात को जलाया गया, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हुआ। तो इसके जब इन जाटों और गुजरों ने जो सपोर्ट किया, इंसानियत को मरने से बचा लिया, तो हम समझते हैं कि उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। किसान हैं, ये किसान हैं, जाट हैं, गुजर हैं, खा पंचायत हैं, सारे लोग आए। देखिए, ये जो प्रोग्राम है, मुस्लिम तो हमेशा अग्रणी रहा है,
इस्लाम मजहब समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी जो हमारे देश में लगे हुए हैं देश को आज़ादी बतलाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। हमारी आज़ादी को आज भी इस लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हमारी देश की जनता को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो यहाँ के मूल निवासी हैं आपस में एक दूसरे को लड़वा भिड़वा करके वो राज कर रहे हैं, और आज पूरी तरीके से मनुवादी जो चार स्तंभ हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों पर ऐसे काबिज हो गए हैं कि वो आने वाले वक्त में हमारे समाज को, पूरे देश के मूल निवासियों को गुलाम बना देना चाहते हैं। उस गुलामियत से निकालने के लिए मुस्लिम समाज अभी अग्रणी रहा है और हमेशा रहेगा, लेकिन जब यहाँ मुस्लिम नहीं था उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए से कि वो क्या था यहाँ पे व्यवस्था जो आज हिंदू मुस्लिम कर रही है वे षड्यंत्रकारी। हमारे यहाँ एक वर्ण व्यवस्था बनाएगी, कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा हुआ है और देश को यानी एक इंसान के मानवता को झकझोर कर देने वाली उन लोगों ने व्यवस्था बनाई और ऊंच नीच की व्यवस्था बनाई, लेकिन जब यहाँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं हुआ करती थी, हमारी बहनों की जो है छाती ढकने का भी हुक्म नहीं था, तो हमारे यहाँ हजरत टीपू सुल्तान साहब ने छाती ढकने का औरतों को, महिलाओं को हक दिया और अधिकार दिया, उनके लिए लड़ाई लड़ी। आज एक बात हमें, मैं समझता हूं कि जरूर करनी होगी समाज में, वो लगातार होती भी है। जब इस तरह का माहौल बनता है तो समाज में अमन पसंद लोग हैं जो भाईचारा चाहते हैं उन लोगों के बीच में, और जो उड़दंगबाज है, लंपट किस्म के आदमी हैं, जो समाज को तोड़ने वाले हैं, फिरका परस्त हैं और ज्यादा कहूं तो जो गुंडे हैं, उन लोगों के बीच में एक लड़ाई जाती है, लकीर खींच जाती है। और जब अमन पसंद लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो ये समाज में अलग थलग पड़ जाते हैं, इनका के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। परंतु ठीक इसके विपरीत अगर ये अमन पसंद लोग अपनी जिम्मेवारी से कहीं ढिलाई कर जाते हैं, कहीं लापरवाही कर जाते हैं, तो ये लोग समाज का इतना नुकसान कर जाते हैं जिसको मापा उतोला नहीं जा सकता। भाइयों को इतना नुकसान हमें देखना पड़ता है। इन्हीं हालात में हमारा हरियाणा में नूह के इलाके में इस तरह की कोशिश की गई, और जब ये कोशिश की गई तो हम जो खापों में काम करने वाले लोग हैं, खाप पंचायतों के प्रतिनिधि और किसान यूनियनों के जो लीडर हैं, वो सब के सब में एक चिंता की लहर